सलाम एवरीवन, वेलकम टू इल्मिटेज। मैं हूँ इम्तियाज़ अहमद और मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वर्ड एमएस वर्ड 2016 का लेक्चर नंबर 2। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। चले शुरू करते हैं एमएस वर्ड 2016 का लेक्चर नंबर 2। कल हमने इसमें फाइल बटन के बारे में पढ़ा था, तो आज हम इसमें होम टैब के बारे में पढ़ेंगे। होम टैब के बारे में, जैसा कि आप जानते हैं, होम टैब में पांच ग्रुप्स होते हैं, क्लिपबोर्ड का, फॉन्ट का और पैराग्राफ का, स्टाइल का, एडिटिंग का। तो हम सबसे पहले क्लिपबोर्ड के बारे में पढ़ेंगे। क्लिपबोर्ड के ग्रुप को हम किसी भी तहरीर को कॉपी पेस्ट वगैरह फॉर्मेटिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हम तहरीर कर लेते हैं, कोई चलो लिख लेते हैं कोई तहरीर। तो हमने ये तहरीर लिख ली, हम इसको कॉपी करने के लिए किसी भी, हम इसको कंट्रोल सी से कंट्रोल ए से सिलेक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल ऑल से सिलेक्ट हो जाएगा इससे, और कंट्रोल सी प्रेस करके हम इसको कॉपी कर लेंगे तो हम यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं। अगर हम कंट्रोल वी प्रेस करेंगे तो भी ये कॉपी हो जाएगा, अगर हम यहाँ से इसको कंट्रोल ये पेस्ट पर क्लिक करेंगे तो भी ये पेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम एक चीज़ ये होगी, और दूसरे नंबर पे ये बात होती है कि अगर हम कोई भी इसमें ये होता है कि पेस्ट, अगर हमने ये तहरीर को लिख लिया और यहाँ पे ये ऑप्शन है पेस्ट स्पेशल का, ये इसलिए होता है कि अगर हम किसी भी तहरीर को किसी भी पिक्चर के ऊपर इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो फिर इसलिए हमें पेस्ट स्पेशल यूज़ करना पड़ेगा। चलें हम ये तहरीर यहाँ से डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम कोई भी पिक्चर इंसर्ट कर लेते हैं, जैसे हमने ये पिक्चर इंसर्ट कर ली तो हम इस तहरीर के ऊपर अब पेस्ट स्पेशल की कमांड अप्लाई करके देखते हैं। हमने ये सेलेक्ट कर लिया तो हम इसके तहरीर पर पेस्ट स्पेशल क्लिक किया और यहाँ से हम पिक्चर इनहेंस मेटा फाइल पर क्लिक करेंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे। चलिए ये देखें हमारी तहरीर जो है इसके ऊपर पेस्ट हो चुकी है। तो ये इसलिए होता है, तो अगर हम ये इसलिए होता है कि अगर हम कोई भी तहरीर को सिलेक्ट किया और इस पर फॉर्मेटर पर क्लिक किया तो ये हमारे कुछ इस तरह से शो हो जाएगी। फॉर्मेट मतलब इसके साथ ये एडजस्ट हो चुकी है ये तहरीर जो हमारी। अब हम पढ़ेंगे इसमें फॉन्ट स्टाइल के बारे में। ये हम यहाँ से तहरीर डिलीट हो गई, अब हम इसमें फॉन्ट स्टाइल के बारे में पढ़ेंगे, फॉन्ट का जो हमारा ग्रुप है उसके बारे में। हम अपनी तहरीर को इस ये फॉन्ट स्टाइल इसलिए यूज़ करते हैं, मगर हम अपनी तहरीर को बोल्ड करना, इटैलिक करना, कोई भी शेप देने के लिए इसलिए हम इस फॉन्ट स्टाइल को यूज़ करते हैं। सबसे पहले हमें इस तहरीर को सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने से इसको हम यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं, यहाँ से इटैलिक कर सकते हैं, यहाँ से इसको अंडरलाइन कर सकते हैं, मतलब डिफरेंट अंडरलाइन के वेज होते हैं, हम इसको अंडरलाइन कर सकते हैं किसी भी तरीके से। तो इसके बाद होता है ये स्ट्राइक थ्रो की कमांड। इस पे हम स्ट्राइक थ्रो की कमांड, ये हम कमांड कैंसिल करके हम इसके स्ट्राइक थ्रो की कमांड भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि ये अप्लाई हो चुकी है। हम ये तहरीर को यहाँ से डिलीट करते हैं, से डिलीट होगी, यहाँ पे कंट्रोल वी से हम पेस्ट हो गया। तो इसको ये देखें हमारी तहरीर, ये स्ट्राइक थ्रो का मतलब होता है कि किसी भी तहरीर को सम क्रॉस समथिंग आउट बाय ड्राइंग अ लाइन थ्रो इट, ये इसलिए हम यूज करते हैं। तो सब स्क्रिप्ट के लिए द वेरी स्मार्ट टाइप वेरी स्मॉल लेटर्स जस्ट बिलो द लाइन ऑफ टेक्स्ट, जैसा कि हम जानते हैं कि ये हम इसलिए यूज़ करते हैं सब स्क्रिप्ट कंट्रोल प्लस के लिए। ये देखें हमारी ये तहरीर, हमने ये तहरीर हमने सेलेक्ट की, इसको हमने से ये इंतहाई शार्ट हो चुका है, देख सकते हैं आप। और इसके बाद फिर है सब सुपर स्क्रिप्ट, ये हम इसलिए यूज़ करते हैं कि इंतहाई जो है ना इसको संभाल करने के लिए यूज़ करते हैं। और इसके बाद की कमांड है हमारी ये तहरीर हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हम अपने वर्ड्स को मज़ीद उसको बढ़ाने के लिए, बड़ा करने के लिए, शो बड़ा शो करवाने के लिए ये हम इसलिए यूज़ करते हैं इसका इस्तेमाल।
और ये इससे डिक्रीज फॉन्ट होता है, ये इंक्रीज, ये इसका मतलब होता है इंक्रीज और इसका मतलब होता है डिक्रीज। और इसके बाद है हमारे कमांड चेंज केस। चेंज केस का मतलब ये है कि हम अपनी तहरीर में के वर्ड्स को किस तरह से शो करवाना चाहते हैं, मतलब कि कोई उसका पहला वर्ड बड़ा रखना चाहते हैं या सारे ही बड़े रखना चाहते हैं, ये किस तरह से शो करवाना चाहते हैं। देखें आप इस तरह से इसमें ये ऐसे कर सकते हैं, किसी भी कोई भी इसमें तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, वे अप्लाई हो जाएगा। चले हम इसमें अपर केस इस्तेमाल कर लेते हैं फिलहाल। उसके बाद है टेक्स्ट हाईलाइट कलर। टेक्स्ट को हम हाईलाइट करना चाहते हैं कलर के साथ, तो हम इसके ऊपर ये कलर यहाँ से कोई भी शेड अप्लाई कर सकते हैं। चले हम इस पे ये येलो कलर अप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करके ये अप्लाई कमांड खत्म कर देते हैं, ये भी खत्म कर देते हैं। तो इसके बाद है हम चाहते हैं कि अगर हमारी हम फॉन्ट पर कलर अप्लाई करना चाहते हैं कि हमारे फॉन्ट पर कलर अप्लाई हो जाए, सबसे पहले हम तहरीर को सिलेक्ट करेंगे और उस यहाँ से हम फॉन्ट कलर के लिए यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे कोई भी कलर जो हम फॉन्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये फॉन्ट कलर सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है हमारा फॉर्मेटिंग, क्लियर और फॉर्मेटिंग। अब सब हमने जो भी कमांड्स इसके ऊपर अप्लाई किए हैं, हम उसको क्लियर करने के लिए सबसे पहले तहरीर को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम इस पर क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग क्लिक कर देंगे, तो ये हमारे सारे जो भी हमने यहाँ पे कमांड अप्लाई की थी ये सारी क्लियर हो चुकी हैं यहाँ से। उसके बाद हम पढ़ेंगे पैराग्राफ में। इसका मतलब ये होता है हमने अलाइन लेफ्ट, मतलब कि हम तहरीर को अगर एक साइड पे लेफ्ट साइड पे शो करवाना चाहते हैं तो हम अलाइन लेफ्ट कंट्रोल एल से भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम उसमें सेंटर में करना चाहते हैं तो इसमें ये अप्लाई कर सकते हैं, और अगर हम अलाइन राइट करना चाहते हैं तो ये ऐसे हो जाएगा ये सब। तो इसके बाद है हमारी जस्टिफाई कमांड। जस्टिफाई का मतलब होता है अगर हम अपनी तहरीर को हाशी से हम मार्जिन से बाहर है तो हम उसको मार्जिन में एडजस्ट करने के लिए इस कमांड का यूज करते हैं। तो यहां से फिर ये नंबरिंग इसलिए इस्तेमाल होती है अगर हम कोई भी हमारे पास लाइन हम लाइंस पर नंबरिंग वगैरह देने के लिए हम यहाँ से नंबरिंग लाइब्रेरी से हम कोई भी ये ऐसे करके ना हम ये नंबरिंग वगैरह लगा सकते हैं। तो इसके बाद बुलेट लाइब्रेरी है, इसमें हम कोई भी मतलब के तहरीर के साइड पे ये जैसे ये हमने ये दे दिया टिक मार्क का निशान है, ये हमारे कोई भी मतलब सैंबर वगैरह अप्लाई कर सकते हैं इसके जरिए। तो इसके बाद है हमारा लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग का मतलब ये होता है अगर हमने कोई भी फर्ज करो तहरीर यहाँ पे लिख ली, ये हमने तहरीर यहाँ से हम इसको डिलीट कर देते हैं, इसके बाद हम लिख देते हैं ये हम इसकी काफ़ी सारी कॉपीज कर लेते हैं। तो अब हम इस पर अप्लाई करना चाहते हैं लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग का मतलब ये होता है कि हम यहाँ पे इसके तहरीर में लाइन स्पेसिंग करना चाहते हैं। देख लें आप मुख्तलिफ तरीके से ये लाइन स्पेसिंग होती है। इस तरीके से हमने लाइन स्पेसिंग की कमांड सबसे पहले तहरीर को सिलेक्ट करना है, उसके बाद जो है ना इसमें लाइन स्पेसिंग से अपनी जो भी आप स्पेस देना चाहते हैं तो इस पर हमने क्लिक करना है, तो हमारा उतना स्पेस फिर दे दिया जाएगा, अप्लाई हो जाएगा हमारे कमांड पर। तो इसके बाद हम अपनी तहरीर पर कोई भी बॉर्डर वगैरह अप्लाई करना चाहते हैं तो हमें देख सकते हैं यहाँ से हम काफ़ी बॉर्डर्स यहाँ से हर किस्म का, अगर रेक्टेंगल बॉर्डर देना चाहते हैं, टॉप बॉर्डर देना चाहते हैं, राइट बॉर्डर देना चाहते हैं, नो बॉर्डर, ऑल बॉर्डर्स, अगर हम तहरीर की चारों तरफ से बॉर्डर देना चाहते हैं तो यहाँ से हम मुख्तलिफ किस्म के बॉर्डर्स अपनी तहरीर पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके बाद अगर हम चाहते हैं कि हमारी तहरीर पर थीम कलर अप्लाई हो तो हम यहाँ से काफ़ी यहाँ शेडिंग के कमांड से मैं एंट्री करके तो यहाँ से हम अपनी तहरीर पर कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि हमने ये सिलेक्ट कर लिया तो यहाँ पे ये अप्लाई हो चुका है। तो इसके बाद है हमारा स्टाइल। स्टाइल में जाकर हम ये देख सकते हैं आप काफ़ी डिफरेंट स्टाइल पड़े हुए हैं, यहाँ से हम कोई भी स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से ये काफ़ी स्टाइल पड़े हुए हैं। तो यहाँ से सबसे बड़ी बात यह है कि हमने अपना स्टाइल क्रिएट भी कर सकते हैं। हम ये देख सकते हैं आप स्टाइल वन मॉडिफाई के जरिए आप यहाँ से जाके तो यहाँ पे हम इस पर ये बोल्ड कर देते हैं, तो इसके बाद हम
यहाँ से हम कलर इस पे ये वाला करना चाहते हैं या हम यहाँ पे रेड कलर कर देते हैं फिलहाल, तो इसमें हम इसको बोल्ड कर देते हैं। बोल्ड करने के बाद हम इसको ओके की कमांड अप्लाई कर रहे हैं, तो हमारा ये अप्लाई हो चुका है। तो इस तरह से हम कलर स्टाइल वगैरह यहाँ से मुख्तलिफ किस्म के स्टाइल दे सकते हैं। तो अब हम आते हैं एडिटिंग के कमांड में, फाइंड। और सबसे पहले है फाइंड। फाइंड के कमांड में हम चाहते हैं कि अगर हमारा कोई भी हम वर्ड इसमें से फाइंड करना चाहते हैं जो हमारी तहरीर लिखी हुई है, तो हम सबसे पहले फाइंड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे उस वर्ड को इंटर करेंगे। जैसे कि हम यहाँ मैंने लिखा हुआ है, हमें यहाँ से अहमद को क्लिक कर अहमद पर क्लिक कर फाइंड करना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैं अहमद सेलेक्ट कर लूँगा, इंटर करूँगा। तो यहाँ से ये देख सकते हैं आपके, ये हमारे तहरीर में जितनी बार भी अहमद का वर्ड आया था तो हम वो अहमद तो वो रिप्लेस हो रहा है, फाइंड हो रहा है इसका मतलब। तो हम ये फाइंड हो रहा है। इसके बाद है रिप्लेस की कमांड। रिप्लेस का मतलब है अगर हम जो हमने वर्ड फाइंड किया है उसकी जगह हम कोई और वर्ड अप्लाई करना चाहते हैं, तो हम रिप्लेस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम वर्ड फाइंड किया था हमने अहमद, तो हम उसकी जगह पे अप्लाई करना चाहते हैं अली, अप्लाई करना चाहते हैं तो अली करके रिप्लेस आल पर क्लिक करें। तो ये हमारा, ये देखें हमारा ये यहाँ से ये सारा इम्तियाज अहमद लिखा था तो ये इम्तियाज अली हो चुका है। तो इस तरह से हम ये तहरीर इस तरह में फाइंड भी कर सकते हैं, इसमें से वर्ड रिप्लेस भी कर सकते हैं, इस मुख्तलिफ वेज होते हैं। तो इसके बाद है हमारा किसी भी सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए हम यहाँ से सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे। अगर हमारी तहरीर किसी भी पिक्चर में इंसर्ट की हुई है, तो हम यहाँ से सिलेक्ट बॉर्डर पर क्लिक ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारी तहरीर सिलेक्ट होगी, इसके अदरवाइज पिक्चर सिलेक्ट नहीं होगी, या कोई भी बॉर्डर अप्लाई किया हुआ है तो वो सिलेक्ट नहीं होगा। तो हम अप्लाई करना चाहते हैं, हम इसको सिलेक्ट ऑल करना चाहते हैं, तो इससे हमारी ये सारी सिलेक्ट की हुई तहरीर, ये देख सकते हैं आप, इससे ये सारी सिलेक्ट की हुई तहरीर हमारी सिलेक्ट हो जाएगी। चलें स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।